कोमल को सलीम कॉल करके कहते हैं कि मुझे आज दो लड़कियों ने अपने न्यू ईयर पार्टी में बुलाया है। उनकी ही अम्मी को चेक करने मैं उनके घर गया था। क्या तुम आज का प्रोग्राम कैंसिल करके मेरे साथ चलोगी उस तरफ? कोमल के जवाब देने से पहले ही डोगन आ जाता है और कोमल कॉल काट देती है। डोगन कोमल से आके कहता है कि मैं आलिया को तलाक देने वाला हूँ। कोमल को खुशी होती है पर फिर पूछती है कि कहीं यिल्द से वापस सुलह तो नहीं करेंगे? डोगन कुछ नहीं कहता। कोमल चिढ़ने लगती है और कहती है, यिल्दिज आपको धोखा देती है, उससे अच्छी तो आलिया ही है, प्रॉमिस कीजिए यिल्दिज वापस नहीं आएगी। डोगन कुछ नहीं कहता। इधर यिल्दिज और आलिया दोनों परेशान होते हैं कि पार्टी में कोई नहीं आया है। आसमा एंगिन से कहती है कि तुम्हारी और जैनब की जोड़ी बहुत अच्छी है, जैनब तुम्हारे साथ बहुत खुश है। एंगिन कहता है, हम बस दोस्त हैं, पर आसमा उसे जैनब की तरफ ढकेलने की कोशिश करती है। इधर यिल्दिज जैनब को समझा रही है कि सलीम को कैसे पटाना है। हानदान आलिया के पार्टी में आ रही थी और बाहर सलीम का कार देख लेती है। वो वैसे जीप टाइप जिसके पहिए कार से बड़ी होती है, ट्रैक्टर जैसा समझ लो। ऊपर से सलीम को फ्लावर्स लेके जाते हुए देखती है। मैं भी सोचूं उस वक्त जब सलीम डॉक्टर की यूनिफॉर्म में यिल्दिज के घर से निकल रहा था तब हानदान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि अभी देखना था, वरना शक कैसे होगा? हानदान बुरा भला कहती है जैनब के बारे में, कहती है ज़रूर यिल्दिज ने दोनों को साथ किया है। सलीम अंदर जाता है तो यिल्दिज उसे सलीम के पास भेजती है। सलीम को पता लग जाना चाहिए था कि जैनब का शौहर वहीं पर ही है, पर किसी तरह पता नहीं लगता। जैनब और सलीम बातें करते हैं। यिल्दिज आसमा को उन तक पहुंचने नहीं देती वरना गड़बड़ करेगी। इधर हानदान से कोमल कहती है कि आप प्यार में हो क्या? हानदान मना करती है। फिर कोमल बताती है कि डैड आलिया से तलाक लेंगे। हानदान हैरान कहती है, कहीं यिल्दिज से वापस मिल तो नहीं जाएगा? ये दोनों बहनें लोगों को छीनने में माहिर है। कोमल समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब था। तो हानदान बताती है कि मेरी दोस्त जिसके बारे में मैंने बताया था सुबह, उसके बॉयफ्रेंड को जैनब छीनने की कोशिश कर रही है। कोमल कहती है, नामुमकिन, जैनब ये सब नहीं कर पाएगी। हानदान कहती है, कर रही है। हानदान का गुस्सा देख के कोई भी समझ जाएगा कि वो दोस्त वो खुद है। इधर सलीम जाने लगता है तो एंगिन आसमा से पूछता है कि ये आदमी कौन है? जैनब का दोस्त लगता है, मैं मिलना चाहता था पर फलाने से बात कर रहा था तो मिल नहीं पाया। आसमा कहती है, यिल्दिज का दोस्त, जैनब से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इधर आलिया को कोमल भड़काती है कि तुम तो यिल्दिज से हार गई, अब देखना यिल्दिज यहाँ आ जाएगी और तुम बाहर। आलिया भड़क जाती है और उसे जवाब देके कुंवर से कहती है कि मुझे फटाफट कुछ करना होगा। यही तो कोमल चाहती थी कि आलिया कुछ करके यिल्दिज को डोगन से सुलह करने से रोके। आलिया सोचती है डोगन नहीं रुकने वाला, पर यिल्दिज तो झटके में रुक सकती है। बस एक शक और सब कुछ खत्म। अगली सुबह आलिया डोगन से पक्का हो जाती है कि वो उसे तलाक देगा। तलाक देने से पहले गिल्ट में आके उसे मीठी मीठी बातें करता है। आलिया कहती है, मैं तब तक यही रहना चाहूंगी। डोगन अलाउ करते हैं। आलिया सोचती है, कुछ ऐसा करूंगी कि तुम मुझे खोने के डर से पछताओगे। आलिया यिल्दिज से आके कहती है कि मुझे माफ़ कर दो यिल्दिज। यिल्दिज हंसती है, कहती है, हार गई ना, अब नाटक मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, जाऊँ यहाँ से। आलिया कहती है, सच कह रही हूँ, माफ़ कर दो डोगन, हम सब के साथ खेल रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है, तुमसे कुछ और कह रहा है। पर डिवोर्स का सुन के मैंने थोड़ी तफ्तीश की तो पता चला कि डोगन की एक लवर है जिसे उसने सबसे छुपा रखा है। दरअसल वो हम दोनों को बर्बाद करना चाहता है, उसकी लवर का नाम है जूलिया। यिल्दिज शॉक्ड। इधर कोमल को सलीम एक रेस्टोरेंट ले आता है। कोमल डर जाती है क्योंकि इसी रेस्टोरेंट में डोगन आता है। वो छिपते छिपाते बैठती है और वही डोगन आया हुआ है मीटिंग करने। कोमल को देख लेता है, कोमल को नाम से पुकारता है। कोमल देख के डर जाती है। सलीम को नहीं दिखाया जाता। ओके, दिन वीडियो ख़त्म।